अथ चतुर्थो अध्याय गायत्री हृदय तथा उसका अंग न्यास। नारद उवाच। धानी सामगा गमारे निसा गमाधा सने गमारे निसा धानी सामगा गमारे निसा गमाधा सने गमारे निसा। श्रुतं देव्यं गायत्री मन्त्रविग्रहम् अधुना श्रुतमीक्षामि गायत्री हृदयं परम् यदरणवैपुण्यं गायत्री जपतोऽखिलम्। नारद जी बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे भूत भव्य जगत प्रभु, मैंने गायत्री मंत्र विग्रह तथा देवी गायत्री कवच के विषय में सुन लिया। अब मैं श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूँ, जिसके धारण करने से गायत्री जप से प्राप्त होने वाला संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। श्री नारायण वाच। देव्याश्च हृदयं प्रोक्तं नारदार्थार्पणस्फुटं तदेवाहं प्रवक्ष्यामि रहस्यति रहस्यकम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवी का गायत्री हृदय अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है, रहस्यों में भी अति रहस्ययुक्त, उसी प्रसंग का वर्णन मैं आपसे करूंगा। विराट रूपम महादेव गायत्री विद्मातरम यत्वा तस्य पतंगेषु ध्यायेने तस्य देवता। विराट रूप वाली वेद माता महादेवी गायत्री का ध्यान करने के बाद अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए। पिंड तथा ब्रह्मांड में स्थापित एकत्व की भांति अपने तथा देवी में अभेद की भावना करनी चाहिए। साधक को देवी के रूप में तथा अपने शरीर में तन्मयता भाव रखना चाहिए। देवभाव से संपन्न हुए बिना देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा वेद वेताओं ने कहा है। इसलिए अभेद संपादन के लिए अपने शरीर में इन देवताओं की भावना करनी चाहिए। गायत्री छंद अनेष्टम देवता परमेश्वरी पूर्वोक्तेन प्रकारेण पर्यादंगानि षट्क्रमा आसने विजने देशे ध्यायेदे काग्रमनसः। अब मैं वह उपाय बता रहा हूँ जिससे तन्मयता प्राप्त हो जाती है। स्वयं मैं नारायण ही इस गायत्री हृदय का ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री इसका छंद है और भगवती परमेश्वरी इसकी देवता है। पूर्व में कही गई रीति से अपने छह अंगों से क्रम से इसका न्यास करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम निर्जन स्थान में किसी आसन पर बैठकर एकाग्रचित्त हो भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। न्यास। Oh,
सराव नेमेश अहोरतावादित्यस चंद्रमा तावाराम देव्यं गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये ॐ तत्सवितु परेण्याय नमः ॐ तत् पूर्वा जयाय नमः तत्प्रातराधे ध्याय नमः तत्प्रातराधे प्रतिष्ठाय नमः प्रतविधाय नो रात्रि कृतं पापं नाशयति सायमधियानो देव सकृतं पापं नाशयति सायं प्रातर्धियानो अपापो भवति सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति सर्वव्याघ्रातो भवति अवाच्यवचनात् पूतो भवति अभक्ष्यभक्षुणात् पूतो भवति अभोज्यभोजनात् पूतो भवति अचोषचोषणात् पूतो भवति असाध्यसाधना पूतो भवति दुष्प्रतिग्रहशात् सहस्रात् पूतो भवति सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति पङ्क्तिदोषणात् पूतो भवति अनेकवचनात् पूतो भवति अथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति अनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहस्रेण सम्भवति षष्टिशतसहस्रगायत्र्यज्ञानि फलानि भवन्ति अष्टौ ब्रह्माणां सम्यक् ग्राहये तस्य सिद्धिर्भवति य इदं नित्यं धियानो ब्रह्मणः प्रकशुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यत इति ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान् श्रीनारायणः। मस्तक में देव नामक देवता, दग्ध पक्ति में दोनों अश्विनी कुमारों, दोनों होठों में दोनों संध्याओं, मुख में अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, ग्रीवा में बृहस्पति, दोनों स्तनों में आठों वसुओं, दोनों भुजाओं में मरुद्गणों, हृदय में पर्जन्य, उदर में आकाश, नाभि में अंतरिक्ष, दोनों कटि प्रदेश में इंद्र तथा अग्नि, जगन में विज्ञान, घन प्रजापति, एक उरु में कैलाश तथा मलय गिरि, दोनों घुटनों में विश्वदेव, पिंडली में कौशिक, कुहि देश में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अधिष्ठात्री देवता, दूसरे उरु में पितरों, पैरों में पृथ्वी, उंगलियों में वनस्पतियों, रोमों में ऋषियों, नखों में मुहूर्तों, हड्डियों में ग्रहों तथा रुधिर एवं मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत्सर जिनके लिए एक पल के समान है तथा जिनके आदेश से सूर्य और चंद्रमा दिन रात का विभाजन करते हैं, मैं उन परम श्रेष्ठ दिव्य तथा सहस्र नेत्रों वाली भगवती गायत्री की शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज को नमस्कार है। ओम पूर्व दिशा में उदय होने वाले उन सूर्य को नमस्कार है। प्रातःकालीन उन सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली उन गायत्री को नमस्कार है। प्रातःकाल गायत्री हृदय का पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पाप का नाश करता है। सायंकाल में इसका पाठ करने वाला दिन में किए गए पापों का शमन करता है और सायं तथा प्रातः दोनों वेलाओं में पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। समस्त तीर्थों में स्नान किया हुआ हो जाता है। वह सभी देवताओं के लिए ज्ञात हो जाता है। गायत्री की कृपा से मनुष्य अभाष्य भाषण, अभक्ष्य भक्षण, अभोज्य भोजन, अचोष्य चोषण, असाध्य साधन, लाखों दुष्प्रतिग्रहों, सभी प्रकार के प्रतिग्रहों, पंक्ति दूषण तथा असत्य वचन, इन सभी से पवित्र हो जाता है। उनकी कृपा से अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी हो जाता है। इस गायत्री हृदय के पाठ से हजार यज्ञों के करने से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। इसके पाठ से 7 लाख गायत्री जप से मिलने वाले फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके अनुष्ठान में सम्यक प्रकार से 8 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल पवित्र होकर इस गायत्री हृदय का पाठ करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा स्वयं भगवान नारायण ने कहा है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां द्वादश स्कन्धे गायत्री हृदयं नाम चतुर्थो अध्यायः।